नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त अंकित। और दोस्तों मैं इस आज की वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों आप हार्ड बेस में किसी भी सॉन्ग को कैसे रिमिक्स करें। हाँ दोस्तों, हार्ड पंच में किसी भी सॉन्ग को कैसे रिमिक्स करें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और थोड़ी सी भी स्किप ना करें। अगर दोस्तों आपने तो वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप की तो आप हार्ड बेस में सॉन्ग को रिमिक्स नहीं कर सकते, वो दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी में पीसी की तरह। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, थोड़ी सी भी स्किप ना करें। दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप 101% हार्ड बेस में सॉन्ग रिमिक्स करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, ज्यादा बात ना करते हुए। और दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन की घंटी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी नई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप EDM मिक्सिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे 101% बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो दोस्तों 101% मिक्सिंग सीख जाओगे, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ज़्यादा बात ना करते हुए। और दोस्तों अगर आप FL Studio Mall का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको फुल कोर्स कराऊंगा सभी चीज़ के साथ, पर दोस्तों आपका चार्ज लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल से पहले मैं FL Studio ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, इसे ओपन करने के बाद बीच के आइकन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों मेरे सॉन्ग का जो BPM है, पहले यहाँ सॉन्ग का BPM सेट कर लेते हैं। मेरे सॉन्ग का BPM 138 है। इसे सेट करने का दोस्तों प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, सिंपल से प्लस के आइकन पर क्लिक करने का, और तो यहाँ मैं सॉन्ग ले लेता हूँ ये वाला दोस्तों, ये वाला। ठीक है दोस्तों, उसके थोड़ा सुन लेते हैं। देखिए, तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड हटा लेते हैं। समय पहले दोस्तों यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर उस समय पहले रिवर्ब मान लेनी है। रिवर्ब के बाद दोस्तों प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और पैरामीटर इक्वलाइजर में जाके लो कट 200। ठीक है, और रिवर्ब हल्के हल्के मंदी कर देने दोस्तों, सिंपल सा। इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना, ग्राफिक ले लेना है, बस ये 3 स्टेप लेने, सिंपल सा। देखो सॉन्ग का बैकग्राउंड कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं हार्ड पंच में सॉन्ग कैसे रिमिक्स करना है, ये देखिए दोस्तों हमने बैकग्राउंड हटा लिया। और दोस्तों ये देखिए, फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, पैटर्न बनाना है, ड्रम साइलेंसर में जाना है और समय पहले दोस्तों कोई हार्ड केक ले लेनी है। तो मैं समय पहले से कोई हार्ड केक ले लेता हूँ अपने सैंपल में से। दोस्तों ये देखिए, ये मेरे सैंपल, तो ये वाली केक ले लेता हूँ दोस्तों, 4 स्टेप पर लगा लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए 4 स्टेप पर लगाने के बाद क्या करना है, सिंपल सा इस सॉन्ग को पहले इंगे कर देते हैं, पहले पैटर्न बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे 4 स्टेप पर लगाने के बाद फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना, फिर ड्रोविंग संगन से लेना है। और फिर दोस्तों इसमें हमें ले दिए कि एक किक बेसिक ले रही है दोस्तों। देखिए मैं ले लेता हूँ जैसे सिंपल सा, इसको दोस्तों 4 स्टेप पर लगा देना। ठीक है, फिर दोस्तों इसकी आवाज़ मंदी कर देनी है हमें और इसको तेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले ही सुन लेते हैं दोनों को, बहुत अच्छा बज रहा है दोस्तों। तो किक में मास्टरिंग कर लेते हैं, तो हार्ड कर लेते हैं। पैरा में इक्वलाइजर लेना है और ये ऐसे कर देना है दोस्तों, इस टाइप का कुछ, तो किक हार्ड हो जाएगी। देखिए किक हार्ड करने का दोस्तों प्लस आइकन पर क्लिक करना है और ड्रम साइलेंसर में जाने का, एक हेट ले लेनी है। ठीक है, तो मैं हेट भी ले लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हेट लगानी है आपको 3 नंबर पर, इस टाइप का कुछ। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए अब हमारा जो ये पैटर्न है, देखिए सुनते हैं, तो 3 स्टेप बन चुके हैं। इसके बाद दोस्तों मैं क्या लेनी है, एक लेनी है इलेक्ट्रो, तो समय पहले इलेक्ट्रो ले लेते हैं अब कोई। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, तो ये GMS ले लेता हूँ दोस्तों। GMS को मैं कैसे लगाना, 4-3 और 4-3 इस टाइप पर लगाना। ठीक है, और दोस्तों GMS में हमें हल्की सी मास्टिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे और रिवर्ब ले लेनी है सिंपल सा। ये देखिए, तो हमारा पैटर्न जो है कि तैयार हो चुका है। इसमें ये देखिए सुन लेते हैं पहले, तो हम इसमें एक स्टेप और मारते हैं, जैसे कि ये वाला 4-3 और 4-3 दोस्तों, एक यहाँ पर। ठीक है,
तो दो स्टेप में बन गया हमारा, देखिए। और इसके दोस्तों में प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, किसी ने ले लेनी है, उससे क्या होगा हमारी ये बेस लाइन जो है बहुत अच्छी बजेगी, ठीक है। ये देखिए ये वाली स्नेल ले लेते हैं, तो इसे लगाना 4-3 4-3 स्टेप का, और इसे लंबा खींच देना है, ठीक है। तो आप सुनते हैं सिंपल से स्नेर की आवाज मंदी कर देनी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों पैटर्न कितना अच्छा बज रहा है। फिर दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना, इसके नीचे लूप लगा लेने हैं कुछ। लूप से क्या होगा दोस्तों हमारे सॉन्ग की जो क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाएगी। देखिए एक तो ये वाला लूप ले लेना दोस्तों सिंपल सा, इससे क्या होता है हमारा कोई भी सॉन्ग है वो दोस्तों जो हमारे पैटर्न की वो क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हमने एक लूप ले लिया है और इसके बाद मंदी कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर एक ढोलक और लेते हैं जिससे कि सॉन्ग का हमारा पैटर्न जो फटे नहीं। इन्हें लगाने से क्या होता है हमारे पैटर्न में दोस्तों क्वालिटी आ जाती है एकदम बढ़िया वाली, पैटर्न हमारा फटता नहीं है नहीं सॉन्ग फटता। तो इनकी दोनों की आवाज मंदी कर देनी है, सुनते हैं दोस्तों। देखिए इसमें किक दोस्तों दूसरी लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ी हार्ड किक लेते हैं। देखिए ये वाली किक लेते हैं और अब सुनते हैं पैटर्न। इसको भी नहीं लेते दोस्तों, किक में मजा नहीं है। जैसे कि मैं अभी इसमें कोई किक देखता हूँ बढ़िया सी, ये देखिए इसमें से एक किक लेनी पड़ेगी दोस्तों, ये वाली, इस किक को देखते हैं। ये किक बढ़िया दोस्तों, अब देखिए हमारा पैटर्न तो बन चुका है दोस्तों सिंपल सा। अब हमें क्या करना सॉन्ग में बीट मैच, तो बीट मैच करने के लिए क्या करना, पहले सॉन्ग को सुनते हैं। देखिए तो यहाँ पे इस बीट को यहाँ रखते हैं दोस्तों, देखिए ये पहली किक जो पड़ रही है हमारी यहाँ से, ये देखिए। तो सुनते हैं एक बार और, तो हमें दोस्तों हल्का सा यहाँ करना है, यहाँ पर है किक, ये देखिए। तो इस टाइप से कुछ सॉन्ग की बीट मैच करनी है, ये देखिए। तो दोस्तों बीट मैच करने के बाद हमें क्या करना है, पैटर्न यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। पहले देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी देखिए पहले सॉन्ग देखते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। तो इसे यहाँ से पकड़ लेते हैं और इसे यहाँ कर लेते हैं, और हमें क्या करना है उसको सिंपल से सॉन्ग जो है इतना काट लेना है। देखिए अब दिखाता हूँ मैं कुछ, तो इसे इतना करने के बाद हम इसे यहाँ से तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करना हमें, ये यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पेस्ट करने के बाद ये पैटर्न जो है इतना काट देना है, ठीक है। और अब हम इसे बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो क्या आपको नई चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं, जैसे कि हम इसे तो इतना कर देते हैं। और दोस्तों अब देखिए हम इस किक को किस टाइप से लगाएंगे कि सॉन्ग में अच्छी क्वालिटी आएगी, ये देखो हर कोई कहेगा कि मज़ा आ गया। ये देखो दोस्तों अब इस टाइप से लगाना किक को, दोस्तों ध्यान से देखना, दोस्तों इस टाइप से आपको किक को लगा लेना है, ठीक है। और इसके बाद ऐसी किक बेसिक लगा लेनी है दोनों चीज़, ठीक है। तो अब देखते हैं सॉन्ग में, ये देखिए तो पहले इसमें एक लूप ले लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का सॉन्ग सुनाऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। ये नहीं दूसरा वाला लूप है, वो तो ये वाला बेस ड्रॉप दोस्तों, इससे क्या होता है कि सॉन्ग में स्टार्टिंग में मजा आता है। ये देखिए अब तो एक सीटी का ड्रम पर बना लेते हैं दोस्तों, उससे क्या होता है सॉन्ग की हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए मैं सीटी ले लेता हूँ, तो सीटी में रिवर्ब मार लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। ये देखिए और सीटी लगाते हैं हम, इसे ऊपर करना है दोस्तों, हमें सीटी लगानी है दोस्तों, 3-3
और तीन और तीन, और इसे कर देना लंबा, ठीक है। और सिंपल सा इसे कॉपी करने का, जहाँ भी सीटें लगा देनी है, ठीक है। अब सुनते हैं सॉन्ग की स्टार्टिंग दोस्तों, अच्छी होगी तो सॉन्ग तुम्हारा हर कोई बजाएगा डीजे पे, तो इसमें सॉन्ग की स्टार्टिंग बढ़िया होनी चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो इस वीडियो को पूरी देख कर जाएगा आज बहुत सारी नॉलेज लेकर जाएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। जो भाई देख के चले गए वो चले गए, पर आप वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो सॉन्ग को इतना काट देते हैं और सिंपल सा इसे यहाँ रख देते हैं जहाँ की ये शुरू है, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, कोई ढोलक ले लेनी तो कोई ढोलक लेता हूँ मैं सिंपल सा। तो इस ढोलक को ले लेता हूँ सिंपल सा दोस्तों, रीत के मैच कर लेता हूँ इस टाइप से कुछ। तो अभी तक तो ये मैच नहीं हुई है दोस्तों, क्या करना है सिंपल सा इस टाइप का कुछ करना है। ये देखिए, इस टाइप से किसी भी ढोलक को या किसी भी लुक को मैच कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मैच करना नहीं आता तो एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसे जाकर देख सकते हैं, परफेक्ट एकदम। सॉरी दोस्तों, बीपीएम गलत हो गया था सॉन्ग का, तो सुनते हैं। देखिए हमें इसे यहाँ से इतना काट देना है, और इसके बाद क्या करना है कि कोई भी हमें एक ब्रेक ले लेना है दोस्तों। तो मैं कोई ब्रेक ले लेता हूँ, इस ब्रेक को ले लेता हूँ दोस्तों। इसे यहाँ पे करने के बाद इस टाइप का सेट कर देता हूँ, जैसे कि ये हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसे एक वायरस नोट ले लेता हूँ जो कि सॉन्ग में लगाई जाएगी दोस्तों। देखिए ये वाइब्रेशन बहुत कैडी है, तो डीजे पे बहुत कैडी बजती है ये वाइब्रेशन। तो सिंपल से इस वाइब्रेशन को स्टेप से लगा देना दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो को दोस्तों, स्किप मत करना और थोड़ी सी भी, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता हूँ। तो इन चारों को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सॉन्ग को हम शुरू से सुनते हैं। तो इसके बाद हम कोई इसमें जरा वे ले लेते हैं दोस्तों, एक एफएक्स जो होता है इसको यहाँ स्टेप का छोटा कर लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और एक दोस्तों यहाँ पर, एक यहाँ पर इस टाइप से कुछ, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, अब यहाँ से हमारी बीट शुरू है, तो हमें क्या करना है, ये पैटर्न यहाँ से कॉपी करना है दोस्तों। और सिंपल सा पहले से यहाँ रख लेते हैं, जैसे कि इसे लाइन पे रख लेते हैं यहाँ पर, इस पैटर्न को यहाँ पेस्ट करते हैं। और फिर दोस्तों यही पैटर्न यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद सीटी नहीं लगानी है अभी, सिंपल सा ये वाला पैटर्न कॉपी करना है तीनों को तीनों यहाँ के ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से कॉपी कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और फिर ये सब चीज़ यहाँ पेस्ट कर देनी है, सीटी नीचे ले आते हैं। तो अब सिंपल सा सुनते हैं, देखिए तो आगे दोस्तों धुन शुरू है, तो इसे यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे ये सीटी काम आएगी, यहाँ कीजिए दोस्तों, यहाँ काम आएगी सीटी, मैंने पहले गलत लगाई थी। तो ये देखिए,
हमें ब्रेक ये दोनों चीजें कल कॉपी कर लेनी है और इन्हें यहाँ पेस्ट कर देते हैं सिंपल सा। ये देखिए तो मैं सॉन्ग को दोस्तों डबल कर लेना है ताकि आवाज बढ़िया आए। ये देखिए डबल नहीं सिंगल ही सही रहने देना। ये देखिए दोस्तों आप इसी टाइप से किसी भी सॉन्ग को हार्ड पंचे में रिमिक्स कर सकते हैं किसी भी अच्छी क्वालिटी पीसी की तरह। तो दोस्तों सिंपल से एक बार सॉन्ग को सुना देता हूँ मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक। ये देखिए दोस्तों आप इसी टाइप से किसी भी सॉन्ग को रिमिक्स कर सकते हैं हार्ट पंच में। तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ दोस्तों कमेंट करना ना भूलना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और दोस्तों हाँ अगर आपको एफएल स्टूडियो के ऊपर और भी वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए एफएल स्टूडियो के अंदर तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं प्रॉमिस करता हूँ उस चीज़ के ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। तो सिंपल से बैक हो जाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको एफएल स्टूडियो मॉल का या किसी भी एफएल स्टूडियो का सैंपल या कुछ भी चाहिए कोई सा पैक चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं प्रॉमिस करता हूँ उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो जरूर लाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों चैनल पर, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अगर आपको एफएल स्टूडियो का कोर्स करना तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भीम जय भारत।